हमारे साथ हैं भारतीय सब लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी। नीतीश कुमार और केंद्र सरकार, इन दोनों के मेलजोल के बाद पटना में जलजमाव की स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर सरकार कई तरह के दावे की है, लेकिन आज बारिश के कारण पटना जलजमाव की स्थिति में है। तो ऐसे में करोड़ों रुपए का जो आवंटन है, कहीं ना कहीं से बंदरबांट जैसी बातें सामने आ रही हैं। हम बात करेंगे कि इतनी सावधानी बरतने के बाद सरकार के जो दावे हैं फेल होते नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पटना ऐसे सुशासन के चपेट में पड़ा है। पीछे की भी जब सरकारें थीं तो यहाँ के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के जो आज डिप्टी सीएम हैं सुशील मोदी जी, यही रहे हैं। और मैं कई बार कह चुका हूँ, जब कंकड़बाग राजेंद्र नगर डूबता रहा है, धरना देने का काम हमने किया है, उन लोगों के साथ प्रदर्शन करने का काम किया है, तो हम ये मानते हैं कि इस लूट में इन लोगों का भी हाथ है। और आज तो इनकी सरकार है, तो हम कई बार ये कह चुके हैं कि इसमें श्वेत पत्र जारी करें कि 30 वर्षों में कितना पैसा यहाँ के ड्रेनेज पर किया गया है। ये तो पिछले बार सरकार ने सुशील मोदी जी को निकाल लिया, नहीं तो वो डूब मरते वहीं राजेंद्र नगर में। सब लोगों को डूबते छोड़ करके खुद निकल करके भाग गए। तो ये भयावह स्थिति है, और इसका कारण एक ही है कि आज भी जो हजारों करोड़ रुपया लगाया जा रहा है नमामि गंगे और कई चीज़ों के नाम पर, वो पैसा जो लगाया जा रहा है वह लूट का भेंट चढ़ रहा है, और उसका कोई साइंटिफिक प्लानिंग के तहत सदुपयोग नहीं हुआ है। ये व्यक्तिगत ठेकेदारों के हितों को ध्यान में रख करके सारी पीस मिल योजनाएँ बनाई गई हैं। इसलिए मैं बार बार सुशासन बाबू से ये मांग करता रहा हूँ कि पटना वासियों को नालों में, नलियों के पानी में डूबने से बचाएं, और इसके लिए 30 वर्षों में जो खर्च किया गया है नगर निगम से लेकर के सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा, अन्य सांसद मदों से, विधायक मदों से, सारे खर्चों को आप एक श्वेत पत्र के माध्यम से पटना के आवाम को बताने का काम करें। आपकी राजधानी डूब जाती है, ये कितने शर्म की बात है। आप एक राजधानी को नहीं बचा सकते, ये कितने शर्म की बात है। और लोग भयभीत हैं, एक दिन बारिश हुई है, कई जगह से वीडियो मैं देख रहा हूँ, आप सब लोग देखे होंगे कि ठेहुना भर से ऊपर पानी हो गया, कोई गाड़ी नहीं जा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रहा है। यदि एक दो दिन लगातार बारिश हो गई तो फिर नाव चलाना पड़ेगा, फिर वही संकट, वही अराजकता, वही बीमारी का, और फिर वही आपदा का इन्वॉल्वमेंट, और फिर आपदा में लूट का सिलसिला। तो जैसे बाढ़ के नाम पर उत्तर बिहार की नदियों को बचाने के नाम पर सभी सिंचाई मंत्रियों ने और सरकार ने लूटने का काम किया है, बोल्डर बिछाने के नाम पर, मिट्टी डालने के नाम पर, स्ट्रेंथनिंग के नाम पर, उसी तरीके से पटना भी मुर्गी सोने की अंडा देने वाली बन गई है। ये खूब मस्ती लोग करते हैं लेकिन लोगों के जीवन का परवाह नहीं करते। लेकिन सर, कहीं ना कहीं से बिहार के जो गरीब लोग हैं वह ठगे जाते हैं, उनकी स्थिति कोरोना के समय में और ही भयावह हो गई है, और ऐसी परिस्थिति जो सरकार के द्वारा ही लगभग किया जाता है, परेशानियां उनके द्वारा ही हैं, क्योंकि पैसे तो आते हैं केंद्र से लेकिन ठीक नहीं हो पाता है, और जो गरीब तबके के लोग हैं ऐसे राजनीतिक मामलों को नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो ठगे जाते हैं। देखिए, ठगे तो जाएंगे, जब जात और धर्म डोमिनेंट होगा, विकास डोमिनेंट नहीं होगा उनके चिंतन का, तो कोई एक आदमी नारा लगा देगा, भेज देंगे पाकिस्तान, भले चूहा नहीं भेजें लेकिन ये भेज देंगे तो इतना में उनका काम हो जाएगा। विकास करने की क्या ज़रूरत है, 9 बार डूबेंगे तैयो इतना ऊर्जान्वित हो जाएंगे। उसी तरीके से जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो समझेंगे कि हमको पाकिस्तान ने भेज दे रहा है, किसी को वोट दो तो इसको मत दो। तो इस तरीके से डिवीज़न जो होता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो ऐसे जो अराजक तत्व हैं वो सत्ता में बने रहते हैं और आनंद लेते हैं जनता के टैक्स के कमाई का, पैसे का, लूट में।
आनंद लेते हैं, खूब मस्ती में वो रहते हैं, उनको कोई इन बातों की चिंता नहीं रहती है कि वोट वोट तो धर्म और जाति के नाम पर हो जाएगा, विकास की क्या ज़रूरत है। 30 साल से जो लूट यहाँ सुशासन की सरकार में 30 साल MLA रहे हैं सब भाजपा के पटना में, और उसके बाद तो सरकार ही रही है, तो 30 साल में मैं बार बार मांग कर रहा हूँ कि श्वेत पत्र जारी करें, विभिन्न मोर्चे पर जो लूट हुआ है वो लूट का हम श्वेत पत्र जारी करें। तो ये थे भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से बिहार में गरीबों के साथ जो धोखा किया जा रहा है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार अभी एक साथ है, फिर भी कहीं ना कहीं से बिहार की जो स्थिति है, और पहले ही दिन की बारिश में पटना पूरे जल जमाव से ग्रस्त हो गया है, तो ऐसे में आने वाले समय में कैसे इस स्थिति को सुधारा जाएगा यह तो वक्त बताएगा। पटना से पंजाब केसरी TV के लिए संजीव की रिपोर्ट।